तो डेरा प्रमुख राम रहीम से अनिप्रीत ने मुलाकात की है। रोहतक की सुनारिया जेल में ये मुलाकात हुई है। करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई। हनीप्रीत की जमानत के बाद पांचवी मुलाकात है ये। तो लगातार आपको ये भी बता दें कि जब हनीप्रीत मिलने जाती है राम रहीम से तो परिवार वालों के बिना जाती है, अकेले मुलाकात होती है, परिवार वाले अलग से मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हनीप्रीत अलग से मुलाकात करती है। और 20 मिनट की ये मुलाकात रही, जमानत के बाद से ही पांचवी मुलाकात बताई जा रही है। और दूसरी तरफ ये कि इससे पहले जब हनीप्रीत ने मुलाकात की थी तो लगभग आधे घंटे तक ये चर्चा चली थी। उसके बाद हनीप्रीत पेशी पर भी पहुंची थी और अब पेशी के बाद ये मुलाकात हो रही है। तो रोहतक के सुनारिया जेल में है राम रहीम और हनीप्रीत की ये पांचवी मुलाकात बताई जा रही है। 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत और लगभग 20 मिनट तक ये बातचीत हुई और पांचवी मुलाकात इसे बताया जा रहा है। तो राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत और 20 मिनट तक ये मुलाकात रही। आपको बता दें कि रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र दांगे, इस पर अपडेट के लिए बने हुए हमारे साथ लाइव। देवेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, हनीप्रीत कितने बजे पहुंची थी, क्या कुछ रहा मुलाकात में, कितने देर तक ये मुलाकात चली? देखिए राजश्री, 2:35 पर हनीप्रीत की दो गाड़ियां रोहतक सुनारिया जेल पे पहुंची थी, दोनों इनोवा गाड़ियां थी। अब की बार खास बात यह है कि हनीप्रीत अब की बार काले शीशों वाली गाड़ी में बैठकर नहीं आई। इससे पहले जब भी वो रोहतक आती थी तो गाड़ी के शीशे काले होते थे और हम लोगों ने खबर अभी तक ने पिछली दफा जब वो आई रोहतक काले शीशों की गाड़ी में बैठ के, तो हमने इस मामले को उठाया था कि नियम उनके लिए क्या अलग है, क्या आम आदमी अगर काले शीशे की गाड़ी यूज करता है तो उसका चालान बनाया जाता है, लेकिन हनीप्रीत को इस मामले में राहत क्यों दी जाती है? तो इसके बाद कहीं ना कहीं ये मैसेज हुआ है कन्वे और आज हनीप्रीत आई, दो इनोवा गाड़ियां थी और उनके शीशे काले नहीं थे। 2:35 पर दोनों गाड़ियां जेल प्रीमिसिस में प्रवेश किया था और 3:15 पर वो वहां से चले गए। करीब 20 मिनट की ये मुलाकात रही है। जी जी, क्या कुछ कौन कौन उनके साथ बैठक में मौजूद था और क्या लगता है क्या उद्देश्य रहा होगा इस मुलाकात का देवेंद्र? देखिए हनीप्रीत के साथ इस बार भी जो डेरे की जो चेयरपर्सन है शोभा गोरा वो साथ थी। पिछली बार मुलाकात में हालांकि जो 10 मेंबरी कमेटी है उनके सदस्य चरणजीत सिंह सिद्धू थे, वो भी आए थे, लेकिन इस बार चरणजीत सिंह सिद्धू साथ नहीं थे। हनीप्रीत के साथ शोभा गोरा थी और उसके अलावा दो वकील भी उनके साथ आए थे। करीब 20 मिनट तक हनीप्रीत और राम रहीम की मुलाकात हुई है। इंटरकॉम के जरिए ये मुलाकात होती है। बीच में शीशे हैं और लोहे की बड़ी जाली लगी हुई है, उस तरफ हनीप्रीत खड़ी होती है, दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम खड़े होते हैं और फोन पे इंटरकॉम के जरिए उनका कन्वर्सेशन रहता है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र आपका। तो ये मुलाकात रही, लगभग 20 मिनट तक ये मुलाकात चली और इंटरकॉम के जरिए ये मुलाकात हुई। हालांकि इस बार देखा जाए तो जो लोग पहले लगभग दस लोग उनके साथ मौजूद होते थे, लेकिन इस बार उनके साथ जो डेरा मैनेजर है शोभा जिनका नाम है वो मौजूद थी, उनके साथ वकील दो पहुंचे थे मुलाकात के लिए और करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। 2:35 में हनीप्रीत इस बार पहुंची थी। सबसे अहम बात ये कि काले शीशे की गाड़ियों में हर बार हनीप्रीत आती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से नॉर्मल जो सफ़ेद शीशे की गाड़ियाँ हैं उनमें हनीप्रीत पहुंची थी।